ये वाला कोकटेल आ रहा है ना बिल्कुल हमारे पास, ये देंगे दोस्तों किस तरह आ जाता है फौरन से। और ये है क्या चीज दोस्तों, अब चले मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ कि इसको। दोस्तों ये देखे माशाल्लाह से बहुत प्यारी सी चीज है। और दोस्तों ये रही माशाल्लाह से डक। फाइनली दोस्तों हमारा जो पार्सल है हमारे सेटअप पे पहुंच चुका है और हमने दोस्तों इसको इधर नीचे केज के पास रख देते हैं क्योंकि काफी भारी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। फाइनली जो हमारा पार्सल है बिल्कुल ठीक हमारे सेटअप पे पहुंच चुका है, जो कि दोस्तों बिल्कुल मेरे पास ही रखा है यहाँ, जो अभी अभी हमें रिसीव हुआ है, तो हमने इसको अपने सेटअप पे जो है रख दिया लाके। और दोस्तों आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया भी था कि कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो कि हमारे सेटअप से जा रहे हैं, जो था दोस्तों हमारा राजा और टूटू जो कि हमारे सेटअप से जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि कुछ बर्ड जा रहे हैं लेकिन कुछ बर्ड्स हैं जो कि हमारे सेटअप पे आने वाले। तो चलें दोस्तों आप लोगों को ये तो पता चल ही गया है कि इसमें कोई ना कोई बर्ड ही आया है, लेकिन दोस्तों कौन सा बर्ड है तो ये थोड़ी देर में अभी आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी देर का लंबा सफ़र जो है तय करके आया है ना, तो इसको हम थोड़ी देर रिलैक्स होने देते हैं बॉक्स के अंदर ही, ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और फिर हम इसको दोस्तों इसके बॉक्स से भी बाहर निकालेंगे। और जब तक ना दोस्तों हम अपने कोकटेल के पास जाते हैं और उसका हम पार्टनर देखते हैं कि वो कैसा है, क्योंकि दोस्तों हमने कल लाए थे ना, ज़्यादा बोल नहीं रहा था, चुप चुप बैठा हुआ था, तो अभी हम चलते हैं अपने कोकटेल किच के पास और हम जाके उसको देखते हैं। और ना दोस्तों माशाल्लाह ये तो अपनी इस नेस्टिंग वाली जो इनकी मटकी है इसके अंदर ऐसे बैठा हुआ था और अभी अभी ही ये बाहर आया है। और दोस्तों हाँ अभी कोकटेल कैसे हो आप, ठीक हो, आपको आपका नया सेटअप कैसा लगा? हेलो दोस्तों ये तो अभी बिल्कुल खामोश होकर बैठा है, लेकिन जो हमारा पुराना वाला जो कोकटेल है ना ये रहा। और ये देखे दोस्तों हमारे बुलाते ही हमारे करीब आ जाता है ये फ़ौरन से ही ना, जैसे ही मैं इसके नज़दीक आ रहा हूँ ना, ये देखें दोस्तों खुद ही करीब आ रहा है, क्योंकि ये तो दोस्तों हमें जानता है और जो वाला है ना वो भी हो सकता है कुछ ही दिन में हमें भी जानने लग जाएगा, फिर वो भी जो है ना इसी तरह करीब आएगा कि जिस तरह हमारा ये वाला कोकटेल आ रहा है ना बिल्कुल हमारे पास, ये देखें दोस्तों किस तरह आ जाता है फ़ौरन से करीब। और दोस्तों माशाल्लाह से वो भी बिल्कुल ठीक है, नहीं अभी ज़्यादा वो नहीं बोल रहा है, अभी ज़्यादा खामोशी होकर बैठा है। ये जो अभी हमारा ये वाला जो कोकटेल है ना यही कुछ ना कुछ बोल रहा है। लेकिन ना दोस्तों जो हमारी डायमंड डब है ना, इन्होंने देखे अभी भी नेस्टिंग की हुई है, अपनी इस नेस्टिंग वाली जगह पे भी बैठी हुई है, लेकिन दोस्तों मुझे लग रहा है इनके फिर से ही जो इनके अंडे थे ना ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है, अब दोस्तों आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में दोबारा लाजमी बताना है कि जो इनके अंडे क्यों ख़राब हो रहे हैं। ये जब अंडे देती है ना दोस्तों इनके अंडे ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये इनक्यूबेट भी बिल्कुल ठीक कर रही है। अभी भी आप लोग देख सकते हैं कितनी रिलैक्स होकर बैठी हुई है ना इधर अपनी नेस्टिंग वाली जगह पर, लेकिन फिर भी ना दोस्तों इनके जो अंडे ना वो ख़राब हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि इनके अंडे यूँ क्यों ख़राब हो रहे हैं। और वैसे दोस्तों ये देखें ये जो कोकटेल है ना हमारा, इतना प्यारा जब ये बोल रहा होता है ना, काफ़ी प्यारा लगता है कि जिस तरह अब ये बोल रहे हैं। ये जो बेबी पैरट है ना दोस्तों, ये भी आज तो ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी बड़े बड़े हो गए माशाल्लाह से ना दोस्तों, काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं रोज़ रोज़ ना दोस्तों, काफ़ी अच्छी फ्लाइंग करना सीख चुके हैं और काफ़ी अच्छे आराम से ना बैठे होते हैं, काफ़ी अच्छे दोस्तों की तरह, एक यहाँ है और दूसरा वो उधर दूर जाके बैठ गया हमसे छुप के, लेकिन ये वाला बेबी पैरट यहाँ ही बैठा है सामने। और बाकी ना दोस्तों ये वाली भी नेस्टिंग वाली जो मटकी है ना इसमें भी, और ये जो ये वाली जो नेस्टिंग वाली मटकी है ना इसमें भी, दोनों ही नेस्टिंग वाली मटकियों के अंदर ना दोस्तों अभी जो ऑस्ट्रेलियन पैरट है ना वो जाके बैठे हूँ। और दोस्तों माशाल्लाह से ना दोनों ही जो नेस्टिंग वाली मटकी है ना इसमें अंडे भी हैं, तो इसलिए ना दोस्तों जो ऑस्ट्रेलियन पैरट है ना वो अंदर ही जाके बैठे हुए हैं। और ये बेबी पैरट तो ये देखें दोस्तों ये कहाँ नीचे आके बैठ गया, और बाकी जो दूसरा बेबी पैरट है ये देखें दोस्तों वो कहाँ जाके बैठा हुआ है। तो दोस्तों हम इनको भी ऐसे ही डिस्टर्ब नहीं करते और इनको भी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। और दोस्तों माशाल्लाह से जो बेबी ज़ेब्रा फिंच है ना ये देखें वो भी बाहर आके बैठी हुई है, लेकिन जो बड़ी वाली जो ज़ेब्रा फिंच है ना वो अपनी इस नेस्टिंग वाली मटकी में, और ये वाली जो ज़ेब्रा फिंच है ये भी अभी बाहर बैठी हुई है। और दोस्तों अब ना हमने इन वाली ज़ेब्रा फिंच के लिए भी ना जिस तरह हमने इस वाली ज़ेब्रा फिंच के लिए काफ़ी सारा नेस्टिंग मटेरियल लेकर आए थे ना, इसी तरह ना दोस्तों हम ना इन वाली ज़ेब्रा फिंच के लिए भी ना काफ़ी सारा नेस्टिंग मटेरियल लेकर आएंगे और हम इनके इस केज में रखेंगे, ताकि ना इन्होंने भी अगर नेस्टिंग करनी हो ना फिर ये भी नेस्टिंग कर लें, और हम कुछ ही दिन में ना लाएंगे इनके लिए भी नेस्टिंग मटेरियल और इनको भी ना हम थोड़ा बहुत ओड़ ला के रख देंगे, ताकि ये भी अगर ओड़ नेस्टिंग मटेरियल लेना चाहें तो ले लें, और हमने इनके लिए तो वैसे ही लेके आना है। तो हम जब इनके लिए लेकर आएंगे ना नेस्टिंग मटेरियल, फिर हम थोड़ा जो नेस्टिंग मटेरियल है इनके पास भी रख देंगे, ताकि अगर इन्होंने भी चाहिए हो, वैसे दोस्तों इनको ज़रूरत नहीं है नेस्टिंग मटेरियल की, क्योंकि जो इनकी नेस्टिंग वाली मटकी है ना इसमें काफ़ी सारा जो है ना नेस्टिंग मटेरियल वैसे ही रखा हुआ है, बहुत सारा है, क्योंकि हमने ना इनके पास ना काफ़ी सारा जो है ना नेस्टिंग मटेरियल रखा था, जो कि सारे ही लेके जा चुकी हैं। अब हम इनके पास जब हम ला के रखेंगे तो हम थोड़ा सा और डाल देंगे इनके पास भी, ताकि अगर ये और लेना चाहें नेस्टिंग मटेरियल तो ये और ले लें।
और अभी हमने दोस्तों इस वाले जो बॉक्स है ना, अभी इस वाले बॉक्स में हम अपने बर्ड जो है ना, हमारा जो नया बर्ड आया हमारे सेटअप पे, हम उसको इसलिए अभी हम नहीं निकाल रहे क्योंकि ना दोस्तों वो अभी एकदम से बाहर आएगा ना तो काफ़ी ज़्यादा परेशान होगा, इसीलिए ना दोस्तों हमने थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दिया ताकि वो रिलैक्स हो जाए, उसके बाद फिर हम ना उसको इस नेस्टिंग वाले नहीं बल्कि दोस्तों बॉक्स में से हम बाहर निकालेंगे और फिर हम देखते हैं कि वो कैसे हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि वो कैसे हैं और कौन सा बर्ड है। वैसे दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूं कि वो है कोई बर्ड, लेकिन दोस्तों चलें आप लोगों को थोड़ी देर में खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा बर्ड है। वैसे तो ना दोस्तों काफ़ी प्यारे प्यारे बर्ड्स हैं क्योंकि मैंने तो देखे हुए, मैंने तो मंगवाए तो मुझे पता है कि कौन से हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं पता। लेकिन दोस्तों अभी हम कुछ ही देर में ना अपने इस बॉक्स से निकालेंगे उस बर्ड को और फिर मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि वो कौन से बर्ड है। वैसे दोस्तों हमारे पिजन्स की भी काफ़ी तेज़ बोलने की आवाज़ आ रही है तो हम इनके पास भी चल के देख लेते हैं इन्हें कि कैसे हमारे पिजन्स। और दोस्तों माशाल्लाह ये देखें दोस्तों हमारी पिजन्स फैमिली जो है ना बिल्कुल रिलैक्स होके बैठी है अपने इसी केज में के जिस तरह हमेशा बैठे होते हैं ना। तो दोस्तों अभी हम ना इनको ना पहले इनकी डाइट का टाइम भी हो चुका है तो हम इनके पास ना इनके लिए पहले सबसे पहले ना इनकी हम डाइट लेके आते हैं और इनके इस केज में रखते हैं हमारी पिजन्स फैमिली के लिए ताकि वो अपनी डाइट खाएं। और क्योंकि दोस्तों मुझे तो यही लग रहा है कि ये सब जो है ना अपनी डाइट के इंतजार में बैठे हैं तो हम जल्दी से लेकर आते हैं इनके लिए डाइट और इनके इधर केज में रखते हैं इनके इस वाली डाइट वाले बर्तन में। तो हम जल्दी से जाके ना इनकी पहले डाइट लेकर आते हैं और अब हम चलते हैं अपने पिजन्स केज में और अपने पिजन्स के पास रख देते हैं डाइट। और दोस्तों माशाल्लाह से हम जब अभी बोलकर ही गए थे ना कि हम इनके लिए डाइट लेके आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनको देख के जैसे हमारे इंतजार में ही हो कि अभी इनकी डाइट आने वाली है। तो दोस्तों अब हम ना इनके लिए पहले डाइट रख देते हैं ताकि ये आएँ और अपनी आके डाइट खाएँ। और दोस्तों ये देखें सारी पिजन्स जो है ना देख रहे थे डाइट रखते हैं तो इनके लिए यहाँ रख दिए डाइट और अब जो है माशाल्लाह से दोस्तों सारी पिजन्स जो है ना अपनी डाइट के लिए आ चुके हैं नीचे और अपनी डाइट खा रहे हैं और बाकी ये भी आ रहे हैं। और हाँ भी चलो आपने डाइट नहीं खानी है कि आप भी जल्दी से आओ और अपनी डाइट खा लो। कुछ दिन पहले ना दोस्तों मैंने ये देखा था कि ना इस वाली जो नेस्टिंग बॉक्स है ना इसके अंदर ना पिजन्स जो है ना नेस्टिंग कर रहे थे और काफ़ी सारी जो है अभी भी जो है नेस्टिंग हुई भी है, लेकिन ना दोस्तों अभी भी कोई पिजन्स इसके अंदर नहीं था। सारी पिजन्स क्योंकि अभी जो है इधर बैठे हुए थे और जब इनके हमने इनके लिए डाइट रखी है तो सारी पिजन्स आ गए हैं, एक अच्छी पिजन्स फैमिली जो है हमारी आ चुकी है और ये अपनी डाइट खा रहे हैं और ये बस अकेला इधर बैठा हुआ है, इसका कुछ नहीं पता। हाँ भाई आपने अपनी डाइट नहीं खानी है कि आप भी जल्दी से आओ और अपनी डाइट खा लो। दोस्तों मुझे लग रहा है अभी इसका दिल नहीं कर रहा है डाइट करने का, जब इसको डाइट खानी होगी ना फिर ये आके खुद खा लेगा। वैसे दोस्तों हमें समझ भी नहीं आ रहा कि जो नेस्टिंग बॉक्स है इसके अंदर जो नेस्टिंग हुई भी है कौन से पिजन ने करी है, क्योंकि दोस्तों हमने जब भी देखा है ना कि खाली नेस्टिंग ही देखी है, अभी तक कोई पिजन बैठे हुए नहीं देखा कि किस पिजन की है ये नेस्टिंग या ये किस पिजन का ये वाला नेस्टिंग बॉक्स। वैसे जो पुराने वाले जो पिजन्स थे ना हमारे, ये वाला पिजन था तो ये जो है ये वाला, तो इसने जो है ना इस वाले नेस्टिंग बॉक्स में जो नेस्टिंग पहले की थी लेकिन अब वो जो है ना काफ़ी टाइम से इधर जाके बैठने लगा है तो उसने नेस्टिंग अब पता नहीं उसी ने ही करी है या किसी और पिजन ने करी है, तो अभी तक हमने उस पिजन को आते हुए देखा नहीं कि किस पिजन ने करी है। और दोस्तों अब जो है माशाल्लाह से जो हमारा टाइम था ना जिसका हम इंतज़ार भी कर रहे थे काफ़ी देर से, आप लोग भी इंतज़ार कर रहे थे कि अब वो बॉक्स को हम जो है खोलते हैं और उसमें हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा बर्ड है जो कि हमारे सेटअप पर आया है। तो जल्दी से चलते हैं और हम उस बॉक्स को खोल के देखते हैं कि कौन सा बर्ड है जो हमारे नए सेटअप पर आया है। वैसे मुझे तो दोस्तों पता है कि कौन सा बर्ड है, तो चलें अब हम चलते हैं और हम उनको उनके बॉक्स से निकालते हैं और फिर हम उन्हें अपने सेटअप पर दिखाते हैं, उन्हें अपना सेटअप और सब बर्ड्स को भी दिखाएंगे। तो जल्दी से पहले बाहर चलते हैं और उनको देखते हैं। और ना दोस्तों फाइनली ये जो है हमारा बॉक्स बिल्कुल ठीक है और वैसे तो ना दोस्तों ये देखें इधर से भी हो सकता है थोड़ा बहुत आप लोगों को दिख रहा हो कि अंदर कौन सा बर्ड है और इसको हम थोड़ा सा खोल के देखते हैं। और वैसे दोस्तों ठीक है, तो चलें हमने इनको थोड़ा सा टाइम भी दे दिया था ताकि इसमें रिलैक्स हो जाएं और हमने दोस्तों इनको टाइम इसलिए दिया था थोड़ा सा ताकि इसी में हमने रहने दिया इसलिए ताकि ना दोस्तों ये जो है ना अगर ये बाहर आएंगे ना इस बॉक्स से तो फ़ौरन से भागने वागने ना लगें और जो ये जो इनका सुराख है ना इधर से देखती भी रहें और ये डरे ना। और ये हैं क्या चीज़ दोस्तों, अब चलें मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ कि इसको खोलते हैं बॉक्स को और हम फिर इसमें देखते हैं और आप लोगों को तो दिखाता हूँ, मुझे पता है कि क्या चीज़ है आप लोगों को नहीं पता है। तो चलें अब दोस्तों हम इस बॉक्स को खोलते हैं और फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और हम इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं और दोस्तों चलें फिर मैं इसमें से निकालता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। और दोस्तों ये देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारी सी चीज़ है, ये आप लोगों ने देख भी ली है और इसमें दोस्तों माशाल्लाह कितनी प्यारी हैं डक्स हैं। तो दोस्तों मैं पहले ना इनको निकालता हूँ बाहर क्योंकि ना दोस्तों ऐसे मुझसे अकेले से नहीं निकाली जाएगी, तो मैं इसको पहले निकालता हूँ फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्योंकि देखें ये बॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा टाइट पैक है और ये भाग भी नहीं है। तो मैं पहले इनको ना इधर से आराम से पहले इसमें से निकालता हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और दोस्तों एक तो है माशाल्लाह से ये डक जो कि ये निकल चुकी है बाहर और दोस्तों ये रही माशाल्लाह से डक और जो दूसरी वाली डक थी ना दोस्तों वो भी खुद से बाहर निकल गई,
और ये बॉक्स जो ऐसे ही खुला रह गया। तो दोस्तों अब मैं उनको पहले देखते हैं क्या कहाँ। और दोस्तों ये देखें, ये रही माशाल्लाह से हमारी डॉग्स जो कि हमारे सेटअप पर आई हैं न्यू। और दोस्तों आते ही इन लोगों ने इतना प्यारा सा बोलना शुरू हुई है और इतनी अच्छी लग रही है ना दोस्तों, ये देखें बोलती हूँ कितना प्यारा सा बोल रही है। एक वाइट कलर की है और एक ब्राउन और ब्लैक सी है, तो दोनों ही ना दोस्तों डॉग्स माशाल्लाह से काफ़ी प्यारी है ना, और ये बोल भी रही है कुछ। और ये देखें दोस्तों माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है ना ये यूँ बोलते हुए। और दोस्तों अब आप लोगों ने बताना है कि सबसे पहले तो ना दोस्तों आप लोगों को जिस तरह पता है ना, हमारे अगर सेटअप पे कोई भी बर्ड आता है तो सबसे पहले तो ना दोस्तों हम उसका जो है नाम रखते हैं कोई अच्छा सा। तो जल्दी से आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में नाम बताना है कि हम अपनी डग से क्या नाम रखते हैं। बहुत प्यारे प्यारे से कलर है, तो आप लोगों ने जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम इनका क्या नाम रखते हैं। और अभी तो ना दोस्तों वैसे जो है ना इन जो हमारी डग्स हैं इनका अभी तो कोई केज नहीं है। वैसे दोस्तों हो सकता है इनका कोई भी केज हम इनको दे सकते हैं, क्योंकि जो हमारी किंग रानी और जो वन वन है वो इस केज में रह रही है, क्योंकि जो दोस्तों टूटू है और राजा है वो तो ना हमारे सेटअप से जा चुके हैं। तो इसलिए दोस्तों जो राजा वाला जो केज था ना, हम उसमें अपनी डग्स को जो है शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ना अब हम उसके केज के पास चलते हैं और सबसे पहले ना हम अपने केज को देख लेते हैं कि वो कैसा है, वो ठीक है कि हम इसमें अपनी डग्स रख सकते हैं। वैसे दोस्तों बिल्कुल ठीक है, तो राजा ने कोई इसको ख़राब नहीं किया है और बिल्कुल ठीक है केज। हो सकता है दोस्तों हम अपनी डग्स को जो है इस केज में रखें, वरना ना दोस्तों हम हो सकता है कि हम अपनी डग्स के लिए ना कोई न्यू केज बनाएं। और दोस्तों काफ़ी मज़ा आने वाला है आगे की वीडियोस में, क्योंकि दोस्तों अभी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हमारे सेटअप पर डग्स आ चुकी हैं, इनके लिए कोई अच्छा सा स्विमिंग पूल भी बनेगा, न्यू केज भी बनेगा। और दोस्तों सिर्फ डग्स ही नहीं आई हैं, इनके अलावा और भी बर्ड्स आने वाले हैं हमारे सेटअप पर। तो दोस्तों ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक भी लाजमी से कर दीजिएगा और हमारे चैनल पेट एनिमल एंड बर्ड को सब्सक्राइब भी लाजमी से कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।